मैं संतोष कुमार मिश्रा वाणिज्य प्रवक्ता बिहारी डाइटर कॉलेज धनकोर गौतम बुद्ध नगर आज हम आप लोगों को बैंकिंग पार्ट छः के मान या मौद्रिक प्रमाप के बारे में बताएंगे मुद्रा मान क्या होता है मुद्रा मान या मौद्रिक प्रमाप मनिस्ट्री स्टैंडर्ड इसमें मुद्रा मान में क्या होता है कि, कि किसी भी देश में जो उसकी मुद्रा व्यवस्था है किस प्रकार होती है उसका आयात निर्यात किस प्रकार का प्रबंधन उस सबको शामिल किया जाता है उसको हम मुद्रामान के अंतर्गत रखते हैं जैसे हमारे देश में मुद्रामान का क्या अर्थ है मुद्रा मान के अंतर्गत समस्त मौद्रिक प्रबंध एवं नियम विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के निर्गमन संबंधी नियम धातुओं के आयात निर्यात की व्यवस्था विदेशी विनिमय संबंधी व्यवहार तथा बैंक जमाएं इन सभी का समावेश होता है इस प्रकार हम देखते हैं इस परिभाषा के जो दिया गया है कि किसी भी देश में मुद्रा मान जो होता है मुद्रा का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है उसका आयात निर्यात किस प्रकार होता है उस किस प्रकार निर्गमन किया जाता है किस प्रकार निर्गमन किया जाता है कौन सी मुद्रा प्रणाली चल रही है बैंक में कितना जमा है बैंक से किस प्रकार उधार दिया जाता है साख का निर्माण किया ये सारी की सारी बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है इस नर एवं सैपिरों के अनुसार दिया गया है कि एक राष्ट्र के मुद्रा मान के अंतर्गत वे सभी कानून तथा व्यवहार शामिल होते हैं जिनके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा तथा गुण को नियंत्रित किया जाता है यानी एक देश के अंतर्गत क्या क्या मात्रा एवं गुण है इन सबका नियंत्रण जो होता है मुद्रा मान के अंतर्गत होता है उसमें कौन से कानून दिए जाते हैं कौन सी प्रणाली कब लागू की जाती है किस प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा का निर्गमन होता है धातुमान है पत्रमान है इन सब बातों का अध्ययन उस देश की मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है यही हमारा जो है मुद्रामान होता है मुद्रामान के भेद मुद्रामान के कुल कितने भेद होते हैं मान के कुल चार भेद हैं नंबर एक वस्तुमान यह बहुत प्राचीन काल में था जब वस्तुओं को मुद्रा के रूप में रखा जाता था अर्थात वस्तु है वस्तु विनिमय काल था उस समय की मुद्रा मान को हम वस्तु बांध के नाम से जानते थे इन वस्तुओं का वस्तुओं में लेन देन किया जाता था थोड़ा तो सा और सभ्य हुआ तो दूसरा मान आया धातु मान।, धातु मान जो था हमारा धातु मान के अंतर्गत हम धातु को मुद्रा के रूप में प्रयोग करने लगे धातु जो है सोना चांदी और भी विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग होने लगा यह मान जो है हमारा धातु मान कहलाया धातु मान दो प्रकार का था एक धातु मान और धातु मान एक धातु मान में एक ही धातु की प्रधान मुद्राओं मुद्रा के रूप में चलती थी और दुई धातुमान में दो धातुओं को एक साथ लेके चलाया जाता था इसका विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे तो ए एक धातुमान और दो धातुमान मुद्रा का हमारा अध्ययन होता था तीसरा था पत्र मुद्रा मान पत्र मुद्रा मान में जब मुद्रा का प्रधान मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा पर पेपर मनी या पत्र मुद्रा होता था अर्थात तो असीमित विधिग्रह हैं जो प्रयोग में किया जाता था तो ऐसे मुद्रामान को हम पत्र मुद्रामान की श्रेणी में रखें और चौथा था विनिमयमान मान जो होता है बिन में मान के अंतर्गत अपने देश की प्रधान मुद्रा का संबंध किसी दूसरे देश की मुद्रा से होता था तो ऐसे मुद्रा मान को हम बिन में मान कहने लगे बिन में मान के अंतर्गत दो प्रकार का होता था स्ट्रगलिंग मान तथा डालर बिन में मान जब किसी देश की मुद्रा का संबंध ब्रिटिश स्टंगली मुद्रा के संबंध में होता था संबंध रख रहा है उसे स्टंगली मुद्रा कहते थे और जिस मुद्रा का संबंध अमेरिकन डॉलर से होता था उसे हम डॉलर मान के नाम से जानते थे तो यह तो हमारा था मुद्रा मान के भेद अब मुद्रा मान के भेद में विस्तृत अध्ययन जो है मुख्यतः इसके अंतर्गत एक धातुमान और दो धातुमान का किया जाता है एक धातुमान एक धातुमान क्या होता है एक धातुमान के अंतर्गत जब किसी देश की प्रधान मुद्रा में एक ही धातु का प्रयोग होता है एक ही धातु की प्रधान मुद्रा चलन में होती है या मुद्रा का संबंध सीधा एक धातु से होता है तो उसे हम एक धातुमान कहते हैं जब किसी देश में केवल एक ही धातु के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के रूप में प्रचलन में होते हैं तो उसे एक धातुमान कहते हैं यहाँ पर दो बातें आती हैं प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है बड़े बड़े लेन देन जो भी होते हैं वो प्रधान जबकि छोटे भुगतान के लिए सांकेतिक मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है सांकेतिक मुद्राओं का क्या होता है आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य में काफी अंतर होता है आंतरिक मूल्य कम होता है जबकि बाह्य मूल्य उसका ज़्यादा दिखाई देता है तो एक धातुमान यह होता है जब एक ही धातु की मुद्रा चाहे वो सोना की हो या चांदी की जब एक ही धातु की मुद्रा प्रमाणिक रूप में प्रचलन में होता है तो उस व्यवस्था को हम एक धातुमान के अंतर्गत रखते हैं एक धातुमान की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं एक धातुमान की क्या क्या विशेषताएं हैं नंबर एक प्रधान मुद्रा किसी भी देश में प्रधान मुद्रा उस एक धातुमान में एक धातु की होती है चाहे वो धातु कोई भी हो चाहे सोना भी हो सकती है या चांदी भी हो सकती है तो सोना या चांदी जो होती है एक धातु की प्रधान मुद्रा प्रचलन में होती है प्रमाणिक मुद्रा वह मुद्रा प्रमाणिक होती है अर्थात उसे सरकार द्वारा प्रामाणिकता प्राप्त होता है उसे देश में प्रत्येक लोग उसे लेने को तैयार रहते हैं असीमित है ऐसे मुद्रा को असीमित विधिग्रह कहा जाता है अर्थात किसी भी सीमा तक उसे लेने से इंकार नहीं किया जा सकता वह असीमित विधिग्रह होती है जो देश की प्रधान मुद्रा हमारी होती है स्वतंत्र ढलाई उस मुद्रा की ढलाई स्वतंत्र होती है अर्थात टंकर उसका स्वतंत्र होता है जनता जितना अपना ले कर उस धातु जाती है और टकसाल में मुद्रा ढलाकर ले कर चली जाती है तो ऐसे मुद्रामान में एक धातुमान जो भी होती है चाहे स्वर्ण हो या रजत हो उसकी ढलाई स्वतंत्र होती है सहायक या सांकेतिक सिक्के एक प्रधान मुद्रा यानी मान या मान प्रधान मुद्रा के साथ साथ उसमें छोटे भुगतान के लिए सहायक सिक्के या सांकेतिक सिक्कों का भी प्रयोग किया जाता था जो घटिया धातु के होते थे और उनका प्रयोग छोटे भुगतानों के लिए किया जाता था परिवर्तनता परिवर्तनीयता का मतलब सरकार द्वारा कभी कभी क्या होता एक धातु मांस को प्रधान मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था परंतु उसका परिवर्तनशीलता अन्य धातु में जैसे मान लो कि पत्र मुद्रा साथ में चल रही हो लेकिन सरकार ये उस धातु में परिवर्तनशीलता धात� की गारंटी देती थी धातु का आयात निर्यात जब देश में एक धातुमान की मुद्राएं प्रचलन में होती थी तो उस मुद्रा का उस धातु का जिसकी प्रधान मुद्रा थी आयात निर्यात स्वतंत्र होता था अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता था स्वर्ण या रजतमान ये एक धातुमान में ये दो प्रकार की मुद्राएं आती थी या तो स्वर्णमान हो या रजतमान हो अर्थात स्वर्णमान से मतलब होता था जब देश की प्रधान मुद्रा का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध सोने से होता था तो स्वर्णमान और अगर उसका संबंध स्वर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चांदी से होता था तो रजतमान तो इसमें इन दोनों में ही एक बुद्ध धातुमान के अंतर्गत आते थे चाहे सोना हो या चांदी धातुमान के कौन कौन से गुण हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं तो पढ़ा एक धातुमान के कौन कौन से फायदे हैं या गुण हैं तो सबसे पहला गुण था जनता का विश्वास एक धातुमान में जनता का पूरा का पूरा विश्वास हुआ करता था अर्थात एक धातुमान के अंतर्गत सोना या चांदी चलन में होते थे तो जनता को सरकार पर या मुद्रा पर पूरा का पूरा विश्वास होता था कि विमुद्रीकरण की अवस्था में भी घाटा नहीं होगा सरलता इस भी किसी भी प्रकार का यह स्वयं संचालकता का गुण रखता था यह सरल प्रणाली होती थी अर्थात क्योंकि जितने का चांदी उतने का सिक्का निकल जाता था जितने का सोना उतने का सिक्का निकल जाता था उसका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर हुआ करता था मुद्रा प्रसार का भय नहीं मुद्रा प्रसार से मतलब होता है जब वस्तुओं की कीमत बढ़ रही हो और मुद्रा की कीमत घट रही हो तो जब धातु मान प्रचलन में था एक धातु मान प्रचलन में था वहाँ मुद्रा प्रसार नहीं होता था क्योंकि उतनी ही मुद्राएं प्रचलन में आती थी जितने की धातु रहती थी अर्थात उसकी वास्तविक कीमत और बाह्य कीमत में कोई खास अंतर नहीं था इसलिए वहाँ मुद्रा प्रसार का भय नहीं हुआ करता था कीमत स्थिरता एक मान में वस्तुओं का मूल्य निश्चित हुआ करता था उनकी कीमतें स्थिर थी अर्थात किसी प्रकार का परिवर्तनशीलता नहीं था वह कई साल तक स्थिर रहा करती थी जनता का पूरा इस पर विश्वास हुआ करता था स्वयं संचालकता एक धातुमान में स्वयं संचालकता का गुण पाया जाता था अर्थात वह स्वयं संचालित होती थी सरकार को विशेष प्रकार के कोई नियम कानून बनाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पर ढलाई स्वतंत्र होती थी सब कुछ स्वतंत्र होता था अपने पास मुद्रा का निर्माण होता था तो इस प्रकार स्वयं संचालकता का गुण होता था ग्रेशम का नियम लागू न होना ग्रेशम का नियम होता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है तो चूंकि एक धातुमान में एक ही धातु की मुद्राएं होती थी तो वहां बुरी और अच्छी मुद्रा का कोई ज़्यादा प्रसन्न नहीं था तो ऐसी परिस्थिति में ग्रेशम का नियम एक धातुमान में लागू नहीं होता था जनता को ये लाभ मिलता था कि वहां पर किसी प्रकार का कोई नियम ग्रेशम का लागू नहीं होता है विनिमय दर के निर्धारण में सुविधा क्योंकि एक धातु मान था किसी अन्य धातु की नहीं थी तो सरकार द्वारा विनिमय दर निर्धारण करने में आसानी थी और विनिमय का मूल्य पहले से ही निश्चित था उसी निश्चित मूल्य पर ही लेन देन किया जाता था विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन जैसे विदेशी व्यापार में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकती थी धातुओं की बनी मुद्राएं थी सोना या चांदी तो विदेशी व्यापार में भुगतान करने में आसानी थी विदेशी व्यापारी आसानी से उसका लेन देन कर लेते थे तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के गुणों का होता था कि व्यापार जो है आसानी से आगे बढ़ता था किसी प्रकार का व्यापार में किसी कोई टेंशन नहीं था एक धातुमान के साथ लाभ के साथ साथ एक धातुमान के कुछ दोस्त भी थे एक धातुमान के कौन कौन से दोस्त थे तो नंबर एक लोच का अभाव लोच के अभाव से ऐसे एक धातुमान में लोचशीलता का अभाव पाया जाता था क्योंकि इनका निर्माण जब धातु होने के साथ साथ ही किया जा सकता था घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता था तो इसमें जो है जब धातु की मात्रा जितनी अधिक होती तो उतनी ही बढ़ा सकते थे कम उसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते थे तो इस प्रकार इसमें लोच का अभाव होता था तो जो विकासशील देश हैं उनके लिए यह प्रणाली काफ़ी बेकार साबित होने लगी थी सीमित क्षेत्र एक धातमान में उसका क्षेत्र सीमित होता था कुछ देशों में चलता था कुछ देशों में नहीं चलता था तो ऐसे स्थिति में इसका क्षेत्र काफ़ी सीमित होने लगा और स्वर्ण मान और मान में जो है वह देश सिमट के रह गया महंगा मान इसमें धातुओं का प्रयोग होता था धातुओं की घिसावट होती थी देश में महंगी बहुमूल्य धातुएँ सोना या चांदी उनकी घिसावट होने के कारण यह मान काफ़ी महंगा था ढलाई में भी अधिक पैसा लगता था और इस प्रकार यह धीरे धीरे जो है यह मान समाप्त एक धातु मान देश से पर दुनिया के सभी देशों से धीरे धीरे समाप्त होने लगा घिसावट से हानि चूँकि धातुएँ जब चलन में रहती थी तो धीरे धीरे, धीरे घिस जाती थी इतनी बहुमूल्य धातुएँ से सोना के सिक्के से चल रहे हैं तो सोने के सिक्के के घिसावट से कुछ दिन बाद वो हल्के हो जाते थे और उनका वो वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता था जितने मूल्य का उन्धारण किया गया था इस प्रकार घिसावट से काफ़ी हानि होने लगी और यह एक धातुमान प्रचलन से बंद कर दिया गया धातुओं का राष्ट्र हित में प्रयोग नहीं चूँकि धातुएँ चलन में होती थी उसका प्रयोग हम राष्ट्र हित में नहीं कर पाते थे तो इस प्रकार एक धातुमान जो देश के या राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी कीमतों में अस्थिरता जो कीमतें थी वह मार्केट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में धातुओं की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव होता था और सिक्के का एक निश्चित मूल्य हो जाता था तो जब मार्केट में कीमतें ज्यादा बढ़ने लगती थी तो सिक्कों को लोग के गलाने लगते थे तो ऐसी स्थिति में देश में मुद्रा की कमी होने लगी तो यह जो है एक धातुमान के दोस्त थे एक धातुमान के भेद एक धातुमान के जो हैं कुल दो भेद हैं नंबर एक स्वर्णमान और नंबर दो रजतमान स्वर्णमान जब किसी देश में सोने के सिक्के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से या किसी देश की मुद्रा मान सोने से प्रभावित होती है उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध सोने से होता है तो ऐसे चीज़ों में हम स्वर्ण मान कहते हैं अर्थात या तो कागज़ की मुद्रा ही चल रहे हैं और उसकी परिवर्तनशीलता सोने में दी जाती है तो उस मान को हम स्वर्ण मान कहते हैं दूसरा है रजत मान तो रजत मान मीन्स होता है जब किसी देश की प्रधान मुद्रा उसका सीधा संबंध चांदी से होता है रजत से होता है शायद देश में कोई भी मुद्रा चले मगर उसका संबंध परिवर्तनशीलता रजत से होती है तो उस मान को हम मान कहते हैं तो एक मान के अंतर्गत या तो मान होता था या मान था भारत में दोनों ही मान कुछ समय तक चलाए गए थे इसका विस्तृत अध्ययन अगले क्लास में कराएंगे द्विधातमान द्विधातमान से मतलब होता है जब किसी देश में दो धातुओं की प्रधान मुद्राएं एक साथ चलन में होती हैं उनका ढलाई स्वतंत्र होता है आपसी विनिमय दर निश्चित होती है सरकार द्वारा आपसी विनिमय दर निश्चित होती है उसके बाद लेन देन आयात निर्यात स्वतंत्र होता है तो ऐसे मुद्रामान को हम दु की श्रेणी में रखते हैं जैसे होम के शब्दों में कहा गया है यदि दो धातुओं का टंकण प्रधान मुद्रा के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए और यदि लेखे की इकाई के रूप में दोनों ही धातुओं के मूल्यापात को कानून द्वारा निर्धारित कर दिया जाए ताकि केवल एक प्रमाणिक इकाई और केवल एक कीमत व्यवस्था रहे तो यह द्विधातुमान या दोहरा मान कहा जाता है यहाँ पर है यदि दो धातुओं की मुद्राएं जिसका स्वतंत्र टंकण होता है स्वतंत्र टंकण होता है टंकण में ढलाई होती है दोनों धातुओं की टाई जो है स्वतंत्र है और दोनों ही प्रधान मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनका जो है लेखे के रूप में सरकार द्वारा एक निश्चित अनुपात होता है कि एक सोना बराबर पंद्रह चांदी तो ये जो है निश्चित कर दिया जाता है तो इस प्रकार को हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में अनुपात है उसी अनुपात में लेन देन होता है और वह प्रामाणिक इकाई केवल एक कीमत व्यवस्था के लिए होती है तो इससे हम दुधातुमान कहते हैं इसमें आयात निर्यात भी स्वतंत्र होता है तो इसका हम जो है विशेषता देखते हैं कि दुधातुपान में क्या क्या विशेषताएं है होती हैं नंबर एक दो प्रधान मुद्राएं एक देश में दो धातुओं की प्रधान मुद्राएं एक साथ चलन में होती हैं अर्थात दो मुद्राओं को एक साथ चलन में सोना और चांदी दोनों ही एक साथ चलन में होती है और दोनों की एक निश्चित अनुपात तैयार किया जाता है असीमित है दोनों ही धातु की मुद्राओं का असीमित विधिग्रह होता है अर्थात विधिग्रहता सरकार द्वारा जो है असीमित मात्रा में लेने के लिए बाध्य किया जाता है किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है तो इस प्रकार को ये दोनों ही मुद्राएं असीमित विधिग्रह होती हैं अंकित तथा धात्विक मूल्यों में समानता अंकित और धात्विक मूल्य में समानता क्या है जो इनका अंकित मूल्य होता है और आंतरिक और बाह्य दोनों ही मूल्य समान होते हैं जितना उस पर अंकित होता है उतना ही उसका जो है बाहर भी बेच दो गला के बेचो तो भी उतना ही मूल्य मिलता है इस प्रकार उसका वास्तविक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों समान होते हैं स्वतंत्र ढलाई यानी मान के अंतर्गत जो दो धातुओं की मुद्राएं प्रधान मुद्रा के रूप में चलती हैं दोनों ही धातुओं की ढलाई स्वतंत्र होती है अर्थात जनता उन धातुओं को ले जाकर टकसाल में मुद्रा का मुद्रा ढलवा सकती है निश्चित वैधानिक संबंध इन दोनों मुद्राओं के बीच में सरकार द्वारा एक निश्चित वैधानिक संबंध स्थापित किया जाता है अर्थात सरकार एक विनिमय दर निश्चित कर देती है उस विनिमय दर में जैसे एक सोना इजकल टू पंद्रह चांदी तो यह पहले से निश्चित होता है उसी के आधार पर यह लेन देन किया जाता है स्वतंत्र आयात निर्यात इसमें द्विधातुमान के अंतर्गत दोनों ही जो भी हैं सोना चांदी जो भी प्रधान मुद्रा के रूप में चलनी है उन दोनों धातुओं का आयात निर्यात स्वतंत्र होता था यानी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता था यहाँ पर प्रत्येक धातु जो है जो अपने देश से जाता था वहाँ से आवश्यकता पड़ने पर आ जाता था तो इस प्रकार जो है ये तभी लागू हो सकता है जबकि इसका आयात निर्यात स्वतंत्र हो सहायक सिक्कों का प्रचलन जब दु धातु मान प्रचलन में होता है तो उसमें छोटे छोटे भुगतानों के लिए सहायक सिक्के अर्थात छोटे भुगतान के लिए छोटे मोटे सिक्कों का प्रयोग किया जाता है अर्थात सहायक सिक्कों का प्रयोग से हम करते हैं जिनका उस सांकेतिक सिक्के के नाम से भी जानते हैं छत पूरक प्रक्रिया या इस द्विध के अंतर्गत यदि कोई छतपूर्ति होती थी तो उसकी पूर्ति की जाती थी अर्थात यह छत पूरक प्रक्रिया को लागू करता था द्विध के गुण द्विध के क्या क्या गुण हैं यानी क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में हम देखते हैं तो द्विधात्मान के गुण जब देखते हैं तो नंबर एक सुरक्षित कोषों का विस्तार दो धातुमान में जो हमारे कोष होते हैं वो सुरक्षित होते हैं अर्थात देश में धातुओं की मुद्राएं चलन में रहती है तो देश पूर्ण रूप से रहता है किसी प्रकार की कहीं कमी नहीं होती है तो देश का मुद्रा मान एक सुदृढ़ व्यवस्था में रहता है अधिक देशों द्वारा अपनाना संभव चूँकि आयात निर्यात स्वतंत्र होता है तो इससे बहुत से देशों द्वारा इसे अपनाया जा सकता है किसी देश में सोने की कमी किसी देश में चांदी उससे स्वतंत्र आयात निर्यात से उसकी पूर्ति बनी रहती है मूल स्तर में स्थिरता जब स्वतंत्र आयात निर्यात होता है तो देश में जिस धातु की कमी होती है वह दूसरे देश से आयात कर लेता है इससे उसका मूल्य स्तर स्थिर रहता है अर्थात मूल्य में स्थिरता बनी रहती है विनिमय दर निश्चित करना सरल अर्थात इनका विनिमय दर आसानी से निश्चित हो जाता है सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है सरकार इनके विनिमय दरों को पहले से ही निर्धारित किया रहता है तो इसमें आसानी से विनिमय दरों को प्रभावित किया जाता है विनिमय दरों में स्थायित्व जो इनका विनिमय दर है वो अस्थायित्व रहता है क्योंकि धातुओं के कारण होता है तो अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन नहीं होता है तो अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन न होने के कारण इनका मूल्य पहले से ही स्थायित्व बना रहता है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन चूँकि अधिकांश देशों द्वारा द्विधात्मान अपनाया जाता है उनका भुगतान लेन देन सोने या चांदी या जो दो भी मुद्राएँ होती हैं उसमें किया जाता है इससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता रहता है धातुओं के मूल्य में स्थिरता चूंकि धातुमान अधिकांश देशों में जाता है और स्वतंत्र आयात निर्यात होता है अतः उससे धातु के मूल्य में स्थिरता बनी रहती है ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन किसी भी देश में एक धातु की कमी होने से उसकी पूर्ति दूसरी धातु द्वारा किया जा सकता है इससे आर्थिक स्थिति को विकास मिलता है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है और देश में आर्थिक विकास आसानी से होता रहता है बैंकों को सुविधा चूँकि सरकार द्वारा पहले से ही दर निश्चित होती है तो बैंक को काफ़ी सुविधा रहती है भाई एक सोना में पंद्रह चांदी निश्चित है तो पंद्रह चांदी दिया तो एक सोना दे देगा एक सोना दिया तो पंद्रह चांदी दे, दे देगा इस तरह लेन देन आसानी से होता रहता है सड़क प्रणाली यह प्रणाली इतनी आसान है आम जनता के समझ में भी आसानी से आ जाता है अतः यह प्रणाली का प्रयोग हम आसानी से करते रहते हैं द्विध मान के मान के कौन कौन से दोष हैं फायदे हैं तो नुकसान भी हैं तो द्विध मान के लिखित दोष हैं नंबर एक टकसाली दर तथा बाजार दर में भिन्नता टकसाली दर और बाजार दर अलग अलग हो जाते कभी कभी क्या होता है कि टक्साल द्वारा या सरकार द्वारा तो एक सोना इजकल टू पंद्रह चांदी दिया हुआ है परंतु तो बाजार में क्या होता है कि सोने की कमी हो जाती है और चांदी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है तो जान वो क्या करते हैं वो देते हैं एक सोना बराबर सोलह चांदी अर्थात वहाँ अलग हो जाता है या एक सोना बराबर चौदह चांदी यदि चांदी की कमी हो जाती है तो चौदह चांदी देने लगते हैं तो यहाँ पर इसमें एक कमी होती है टकसाली दर और बाजार दर में दोनों में भिन्नता पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जो मुद्रा महंगी होती जाती है वह धीरे धीरे समाप्त होती जाती है जैसे सोना एक सोना पंद्रह तो सरकार द्वारा दिया गया है और एक सोने के बदले में सूरज चांदी मिल रही है तो जनता सोने को ले जाकर चांदी में बदल देती है और सोना गल जाता है और चांदी सोना ले आती है बैंक में जाकर पंद्रह चांदी देके एक सोना लाती है एक चांदी का फायदा हो जाता है जनता को तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे सोने का सिक्के गायब हो जाते हैं और चांदी के सिक्के चल में रहते हैं तो यह जो है बाजार दर भिन्नता होने पर दोष सामने आता है दैनिक भुगतानों में कठिनाई जो तो लेन देन होते हैं दैनिक भुगतान होते हैं वहाँ भी दो धातुएं रहने के कारण भुगतान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है ग्रेसम का नियम लागू है यहाँ सबसे बड़ी दोष जो होता है यहाँ ग्रेसम के नियम का होता है यहाँ पर जो कि ये चीज़ें दिखाई गई हैं तो ग्रेसम का नियम हमेशा लागू रहता है कि जो धातु महंगी होने लगती हैं वह अच्छी मुद्रा होती हैं और वह चलन से धीरे धीरे बाहर हो जाती हैं जो घटिया मुद्रा मानी जाती है अर्थात वह जो है चलन में रह जाती है जिससे यहां पर सोलह चांदी मिल रहा है तो चांदी जो है घटिया मुद्रा है चांदी रह जाएगी इसके विपरीत यदि एक सोने में चौदह चांदी मिल रही है तो चांदी बढ़िया मुद्रा है क्या होगा कि चौदह चांदी सुनार से दे एक सुना लेंगे एक सुना बैंक में दे पंद्रह चांदी लाएंगे एक चांदी का फायदा होगा और धीरे धीरे चांदी गलती जाएगी तो यहाँ पर जो अच्छी मुद्रा या महंगी मुद्रा है उसका धीरे धीरे प्रचलन समाप्त होता जाता है छतपूर्यक क्रिया का सदैव कार्यशील न होना जो छतपुरा क्रिया होती है वो हमेशा कार्यशील नहीं होती है सिद्धांत में तो है व्यवहार में उसका प्रयोग बहुत कम होता है लोच का अभाव यहाँ लोच का चूंकि धातुओं का प्रयोग होता है मुद्रा में तो धातुओं के प्रयोग होने के कारण लोच का अभाव पाया जाता है लोच के अभाव का मतलब होता है कि जब तक धातु नहीं है मुद्रा अधिक निर्गमन या टंकड़ नहीं हो सकता है सट्टेबाजी को बढ़ावा चूंकि यहाँ पर सोने और चांदी का मूल हमेशा परिवर्तनशील होता है बाजार दर और टकसाली दर में अंतर होता है इस प्रकार सट्टेबाजों को प्रोत्साहन मिलता है और सट्टा हर चीज पर लगता है और उससे जो है काफी नुकसान होता है महंगा मान क्योंकि देश में धातुओं का मान होता है तो धातु होने के कारण, कारण इसको ढालने में भी महंगाई होती है और चलने में एक धातुओं की घिसावट होती है इन सब कारण जो है यह मान काफी खर्चीला पड़ जाता है दु धातुमान और एक धातुमान में अंतर एक धातुमान और दु धातुमान में निम्नलिखित अंतर है नंबर एक मुद्रा का प्रचलन मुद्रा का प्रचलन का मतलब होता है यहाँ पर एक धातु की मुद्राएं प्रचलन में होती हैं जबकि इसमें दो धातु की एक और दो धातुओं की मुद्राओं का चलन होता है सुरक्षित कोष एक धातुमान में सुरक्षित कोष तो रखा जाता है जबकि दो धातुमान सुरक्षित कोष की आवश्यकता नहीं होती पारस्परिक विनिमय अनुपात एक धातुमान में किसी प्रकार के विनिमय अनुपात की, की आवश्यकता नहीं होती है दो धातुमान में आवश्यकता होती है विनिमय अनुपात की अर्थात जो दो धातु होते हैं उन्हें आपस में विनिमय अनुपात दिखाया जाता है लोच एक धातुमान अधिक लोचशील होती है जबकि दु धात्मान अपेक्षागत कम लोचशील होती है मुद्रा प्रसार का भय एक धातमान में मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता है जबकि दु धातमान में मुद्रा प्रसार का भय थोड़ा रहता है कम रहता है छत पूरक क्रिया का नियम यहाँ लागू नहीं होती है यहाँ पर लागू होती है ग्रीसम का नियम एक धातुमान में कोई ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता है जबकि दु धातुमान में ग्रीसम का नियम लागू होता है द्विधातुमान के स्वरूप द्विधातमान कितने प्रकार के होते हैं यह बताया जाता है नंबर एक पांच प्रकार के हैं नंबर एक विशुद्ध द्विधात्मान विशुद्ध द्विधात्मान वह धात्मान होती है जो वास्तविक द्विधात्मान होता है अर्थात इसमें दो धातुओं की मुद्राएँ चलन में होती हैं दोनों का स्वतंत्र टंकण होता है दोनों मुद्राओं का स्वतंत्र आयात निर्यात होता है तथा दोनों के टकसाली दर आपस में निश्चित होते हैं पंगु द्विधात्मान जिसे लंगड़ा द्विधात्मान भी कहते हैं इस धातुमान में द्विधात्मान विशुद्ध दुधात्मान के समस्त गुण पाए जाते हैं परंतु इसमें स्वतंत्र टंकण की व्यवस्था नहीं पाई जाती है इसलिए जो है टंकण का अधिकार सीमित होता है सरकार द्वारा होता है तो इस कारण इसे पंगु द्विधात्मान कहा जाता है समांतर द्विधात्मान समांतर द्विधात्मान का मतलब होता है इसमें दो धातुएं समांतर दोनों ही समांतर जो हैं चलती हैं अर्थात जो दो धातुओं की मुद्राएं चल रही हैं उनका जो सरकारी दर है वो निश्चित नहीं होता है इनका जो सरकारी दर होता है वह आपस में बाजार के माध्यम से ही निर्णय किया जाता है निर्भर रहता है वो दोनों ही एक दूसरे के समांतर चलती हैं इसलिए समांतर द्विधात्मा मिश्रित द्विधात्मा मिश्रित द्विधात्मान जो है वह मार्शल ने इसके वो दिया था सुझाव दिया था इसमें दो धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक धातु के सिक्के बनाए जाते थे इसमें दोनों ही धातुओं को मिला दिया जाता था और एक ही सिक्का चलता था ऐसे भी धातुओं को मिश्रित द्विधात्मान के रूप में चलाया गया ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला और नव द्विधात्मान नव द्विधात्मान जो है एक किन्द्रे द्वारा दिया गया था इसमें कहा गया है पत्र मुद्रा चलन में रहेगी परंतु धातुमान से उसका जो है एक परिवर्तनशीलता बनी रहेगी और इस मान को नवद्विधात्मान के रूप में जानते हैं इसी के साथ हम जो है मुद्रा मान समाप्त करते हैं और इसमें प्रश्न बनता है सबसे मुद्रा मान से क्या समझते हैं, क्या हैं। कितने प्रकार का होता है एक धातुमान से क्या समझते हैं इसकी विशेषता और गुण दोष दु धातुमान से क्या समझते हैं इसकी विशेषता और गुण दोष दु धातुमान कितने प्रकार का होता है